राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे से आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद जो केंद्र सरकार का नियम था कि कुछ दुकानें खुलेंगी जो महत्वपूर्ण है, जिसके बाद आप राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे से सीधी तस्वीरों को देख सकते हैं। ये जो नियम आया केंद्र सरकार की तरफ से, जिसके बाद जो आवागमन की जो गाड़ियां हैं सड़क पे वो तेज़ी से दौड़ने लगी। इसके बाद लॉकडाउन की कह सकते हैं कि धज्जियां उड़ाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण सुविधाएं जो थी वो चालू की गई थी। और इस बीच बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पर निकल आए हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सख्ती से गाड़ियों को चेक कर रही है। अनावश्यक लोग सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि आने जाने वाले गाड़ियों को पुलिस बारिकेड करके चेक कर रही है। चार तरफ का दृश्य डाक बंगला का जो एक स्टेशन रोड जा रही है, स्टेशन से आने वाले रूट पे भी पुलिस ने मार्केटिंग की है, जिसके बाद आने जाने वाले गाड़ियों पे पहले सुरक्षा का पास है, उसके बाद गाड़ियों को जाया दिया जा रहा है। दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि CRTR की तरफ से आ रही है, डाक बंगला चौराहे की तरफ, वहाँ भी पुलिस ने मार्केटिंग किया है, जिसके बाद आप तस्वीरों को देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहे की तरफ जो रोड आ रहा है, उसमें भी पुलिस ने बारिकेड कर दिया है। लगातार गाड़ियों का जो आवागमन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो गाड़ियां हैं वो लगातार राजधानी पटना में फिर से दिखनी शुरू हो गई है। लॉकडाउन का स्थिति जो बोल रहे पूरी तरह से जनता पालन नहीं कर रही है, जिसके कारण लगातार जो संख्या है कोरोना का राजधानी पटना में वो बढ़ते जा रहा है। लगातार न्यूज़ फॉर इंडिया अपने दर्शकों को सबसे पहले तस्वीरों से रूबरू कराता रहा है। सरकार की बातों को माने और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। न्यूज़ फॉर इंडिया आपसे अपील करता है। ब्यूरो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सचिन यादव, न्यूज़ फॉर इंडिया पटना। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।